आप निकली भी वेबसाइट ओपन की होगी, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं आपको ऑप्शन दिखाई देता है लॉग इन विद फेसबुक या फिर लॉग इन विद गूगल। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या ये सेफ है और ये कैसे काम करता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार कोई वेबसाइट खोली होगी, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं आपको ऑप्शन दिखाई देता है लॉग इन विद फेसबुक या फिर लॉग इन विद गूगल। तो क्या ये सेफ है और ये कैसे काम करती है? मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन की, उसमें आपको दिखाई दिया लॉग इन विद फेसबुक। ये एकदम सेफ तरीका है क्योंकि इसमें आपको कई सारे डिटेल्स नहीं डालने पड़ते, जैसे कि आपने आपको नाम आपके कई सारे ईमेल आईडी पूछता है वो आपको इसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसी में आप लॉग इन विद फेसबुक कर सकते हैं या फिर लॉग इन विद गूगल। जैसे आप इनको क्लिक करते हैं आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे आप सीधे आपके अगर लॉग इन विद फेसबुक करते हैं तो आपको फेसबुक का लॉग इन पेज दिखाई दिया जाता है। अगर आप उस ब्राउजर में पहले से लॉग इन है तो आपको सीधा कन्फर्म ऑप्शन आता है, वहां पर आपको ये भी दिखाया जाता है कि ये वेबसाइट क्या क्या डिटेल मांग रही है फेसबुक से, आपका नाम ईमेल एड्रेस या फिर कुछ और। अगर वो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही है तो आप उसे वहां से रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसे डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर वो आपको सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांग रही है जो आपको उसमें लॉग इन करने के बाद देनी पड़ती थी, मगर आप वहां से क्लिक करने पर अगर वो इन्फॉर्मेशन मांग रही है जो आपको वहां पर सेफ है आपको देना, तो आप वहां से अलाउ कर सकते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रही है, अगर वो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो आपको उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं। मान लो आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया, आपको सिर्फ उसमें एक छोटा सा काम के लिए लॉगिन किया, आपको उसे बार बार लॉगिन नहीं करना, तो आप वहाँ पर सिंपली ऑप्शन दिया जाता है उस वेबसाइट के जरिए लॉग इन विद फेसबुक। ये वेबसाइट वाले ऐसे क्यों करते हैं? ताकि इन्हें पता हो कि ये वेबसाइट, ये अपना पेज इस इंसान ने खोला था और इतनी देर इसने इसमें काम किया, इसलिए ये ऑप्शन दिया जाता है ताकि आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके, उनकी वेबसाइट को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसलिए ये लॉग इन विद फेसबुक या फिर लॉग इन विद गूगल दिया जाता है, क्योंकि अगर आप रोज रोज उसमें काम लेते हैं तो आपको उसमें अकाउंट बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि रोज रोज उसमें लॉग इन विद फेसबुक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको उसमें अकाउंट बनाना ठीक रहेगा। मुझे उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि लॉग इन विद फेसबुक और लॉग इन विद गूगल इन ऑप्शन से क्या आपके अकाउंट सिक्योर रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।